इतना पास में आने के बाद ना मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से, आपको फोर्स तो नहीं कर सकती लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये हो रहा है शाम का समय और अभी मैंने ना जस्ट पूजा की है। तो जिस टाइम भी मैं सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो पूजा करती हूँ, और उस टाइम से मैं अगर अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ तो मैं थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी आती है हमारे अंदर और घर का भी वातावरण एकदम पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं दोनों टाइम घी का दीपक जलाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल हम बच्चे बाहर से खेल के आए हैं, तो उनके लिए, क्योंकि बाहर 1 से 1.5 घंटे खेलते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, तो कुछ ना कुछ इस टाइम पे, ये अभी यहाँ पे मैंने बनाया है जो रसना वाला ड्रिंक आता है वो, या फिर ग्लूकोंडी होता है वो, कुछ ना कुछ मैं दे देती हूँ। तो अभी बस बच्चों को बना के दे देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग लगेंगे अपने खाने पीने की तैयारी करने के लिए। ये देखिए, आते के साथ बस हाथ मुंह धोते हैं और उसके बाद इनका अपना कार्टून चल जाता है, वहीं पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे अभी मैं ले ले रही हूँ करेले, जिनको तो मैं काट के रखूँगी, अभी नहीं बनाऊँगी। और अभी मैं बनाऊँगी तोरई, आपने उस दिन देखा ही था मैं सब्ज़ी में लेके आई थी। और ये तोरई ना ज़्यादा दिन रखने पे फिर ऐसे मतलब थोड़ी ख़राब जैसी हो जाती है, अंदर से छीनने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इस वजह से पहले मैं तोरई को ही बना ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब होती है। और आज का व्लॉग मेरा शाम के टाइम से शुरू हो रहा है, तो जिस टाइम ज़्यादातर सभी लोग अपने व्लॉग का एंड करते हैं उस टाइम से मेरा शुरू हो रहा है। कोई नहीं, जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब से शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, काम में बिजी होती रहती हूँ। लेकिन जब मुझे अपने लिए टाइम मिलता है मैं उसी टाइम से अपना व्लॉग भी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने तोरई को सारा छील के रख लिया है और यहाँ पे ये करेले को भी मैं छील के काट लूँगी। करेले की एक चीज़ अच्छी लगती है कि इसका कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, पूरा मतलब बेकार नहीं जाता है, सब कुछ यूज़ में आ जाता है। और ये थोड़े बड़े वाले करेले हैं तो मैं इनको काट के बनाऊँगी भरवा बनाने के लिए। तो काफ़ी बड़े हैं ये करेले, और नहीं तो मैं भरवा भी बनाती हूँ, लेकिन इनको तो मैं काट के बनाऊँगी। तो यहाँ पे तोरी भी मैंने अपनी काट के रख ली है, अभी करेले काट के रख दूँगी, इनके बीज वगैरह निकाल दूँगी और ये सब मैं फिर ना मैं नमक लगा के रख दूँगी। और थोड़ा सा ना आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तब से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी ना इतना पास आके थोड़ा सा वेट नहीं हो रहा है। और अभी आप लोग जानते हैं कि मेरे कितने जल्दी बन के पूरे होने वाले हैं, और उम्मीद ही कर सकती हूँ। देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उम्मीद कर सकती हूँ कि सब हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने करेले वगैरह सब काट के रख दिए, और जब मैं ना सब्ज़ी काट रही थी उसी टाइम यहाँ पे फिर दूध भी मैं रख गई थी बॉयल होने के लिए, तब तक मेरा दूध गर्म हो गया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो इनके साथ मैं दूध थोड़ा सा एडवांस करके चलती हूँ, क्योंकि अभी और भी दूध रखा है उसको भी मैं बाद में गर्म करूँगी, क्योंकि कभी होता है कि कभी मिलता है नहीं मिलता है, तो ऐसा हो जाता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने रख दी अपनी कढ़ाई सब्ज़ी बनने के लिए। और ये देखिए, ये ना मेरे आगे पीछे मतलब घूमती रहती है, छोटा बच्चा ना घर में चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो छोटा ही रहता है, कभी कुछ बोलने आती है कभी कुछ बोलने आती है, उसको अपना कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। तो यहाँ पर जो भी मैंने अभी करेले काट के रखे थे, थोड़ा सा ना मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ उससे, क्योंकि मुझे डर लगता है जब सब्ज़ी वगैरह बनाइए, कढ़ाई वगैरह ऑयल गर्म हो रहा है, तो थोड़ा बच्चों को दूर रखिए ना, क्योंकि एक बार ना ऐसा हादसा हो गया था हमारे यहाँ कि ऐसे ही बच्चा खेल रहा था बॉकर में साइड में, और कढ़ाई रखी हुई थी उस पे ऊपर गैस के ऊपर, और जैसे बच्चे ने ना गैस की पाइप खींच दी तो कढ़ाई का ना ऑयल ना पूरा बच्चे के सिर से बच्चा जल गया था। तब से ये चीज़ें देख के ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं बच्चों को जब खाना वगैरह बनाती हूँ तो चिल्लाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सही नहीं लगता है कि कब पता नहीं हमारा ध्यान खाने में होता है और बच्चा पता नहीं क्या कर ले, इस वजह से थोड़ा मैं इनको चिल्लाती रहती हूँ जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तो अभी देखिए, मेरी सब्ज़ी छुप मैंने तड़का लगा दिया है, और अभी बस इसको पकने दूँगी ढक कर के। और ये देखिए, अभी मैं आपसे ना नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो क्या हुआ था ना, रात को उस टाइम मेरे घर से फ़ोन आ गया था, और फ़ोन मेरे पास एक ही है तो मैं बातें वगैरह करने लग गई थी,
और जब भी जहाँ भी मेरी बातें चलती हैं तो थोड़ा लंबी चलती हैं, मुझे आधा घंटा कम से कम हो ही जाता है, चाहे मैं अपनी मम्मी के पास करूँ चाहे मैं अपनी सासू माँ के पास करूँ, कम से कम आधा घंटे मेरी बात चलती हैं। तो फिर बाद में मैं कुछ सूट ही नहीं कर पाई, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 और सारे काम मेरे हो चुके हैं, बस अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ। और थोड़ा सा ना आज छुट्टी था जिसकी वजह से आराम आराम से काम किया, एक होता है ना मन में कि चलो आराम से कर लेते हैं, तो बस अभी पूरा मेरा काम हो चुका है। इसके बाद अभी मैं पूजा करूँगी और पूजा करने के बाद फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह बना के दे दूँगी। और देखिए यहाँ पे ना पूजा वगैरह सब मेरी हो चुकी है, और जो ना करेले मैंने रात को काट के रखे थे वो आप देख ही सकते हैं, नमक की वजह से ना कितना उसने अपना पानी छोड़ दिया है, जिससे ना इसमें पूरा जितनी भी कड़वाहट है ना निकल जाती है। मैं 2-3 तरीके से करेले बनाती हूँ, लेकिन जिस भी तरीके से बनाती हूँ ना वो कड़वे किसी भी तरीके से नहीं बनते हैं ऐसे भी, और ये सबसे सिंपल वाला तरीका है लेकिन बनते बहुत अच्छे हैं। तो बस 2-3 बार मैं इनको धो लूँगी अच्छे तरीके से, और धो के फिर इनको अभी ऐसे ही बनाने, बस ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें लगता है, बस ऐसे ही फ्राई करने हैं तो ये बन जाएंगे। तो देखिए कपड़े वगैरह ना अभी मैं बाहर सुखा के आ गई हूँ, थोड़ी सी धूप दिख रही थी, आपको दिख ही रही होगी खिड़की से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से करेले को धो के रख लिया है, और अभी ना देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा आम का अचार जिससे मैं निकाल रही हूँ, ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का तेल, क्योंकि मेरे पास ना अभी सरसों का तेल नहीं था, रिफाइंड थी, और रिफाइंड में ना करेले का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, सरसों के तेल में सबसे बेस्ट बनते हैं करेले। तो ये देखिए अभी ना छोटी वाली चेयर लेके फिर ये इधर आ गई है, मतलब ये मैं बोलती हूँ मैं जब किचन में काम करती हूँ ये दूर रह ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे बस देखिए बहुत बड़ा प्याज काट के रखा था मैंने, क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा लगती है, मैं ज़्यादा चीज़ों के साथ शेयर नहीं कर रही, बहुत कम चीज़ें इसमें लगती हैं लेकिन बनता बहुत अच्छा है। और बस प्याज थोड़ी सी भुन गई है, उसके बाद मैंने जो उसके मसाला था वो सब डाल दिया है, 1-2 मिनट इसको भी भून लूँगी। और नमक मिर्ची हल्दी यही सिंपल मसाले डाले हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है। और बस देखिए लास्ट में ना ये सौंफ डाल दीजिए आप, तो कम से कम 2 चम्मच पीसी हुई, इससे ना इसका जो भी थोड़ा बहुत कड़वाहट बचता है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये देखिए सीधा मैं आपको कम से कम 20-25 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, क्योंकि लो फ्लेम पे बनाते हैं ना तो टाइम तो लग ही जाता है लो फ्लेम पे। और ये अच्छे तरीके से गल भी चुके हैं आप देख ही सकते हैं, और अभी यहाँ पर सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैं देखिए अपनी बूंदी जो रायता बना रही हूँ बूंदी लेके आई थी, तो यहाँ पे बूंदी डाल देती हूँ। तो मसाले मैंने सारे पहले डाल दिए, इनको पानी में भिगो के रखा था तो निचोड़ के डाल देती हूँ, ये बन के हो गया तैयार हमारा। तो बस अभी मेरा खाना पीना सारा बन चुका है, और अभी मैं बस खाना खाऊंगी, उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ और वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, वैसे कुछ कमेंट आते हैं और कुछ कमेंट ना बहुत अच्छे होते हैं जो मेरे दिल को छू जाने वाले होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा अच्छा बोलिए, अगर आपको कोई कमी लगती है तो वो चीज़ भी मुझे बताइए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कमी तो हर इंसान में होती है। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों में से ना जितने भी लोग मुझे अनसब्सक्राइब करके देखते हैं, मतलब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ना मेरे बन के पूरे हो जाए। इतना पास में आने के बाद ना मुझे इतना वेट करना पड़ रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ आप सभी से, आपको फोर्स तो नहीं कर सकती लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। टेक केयर।